मैम बम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इतना खुश दिख रहा हूँ उसके पीछे कुछ वजह है। इतने दिनों के बाद, दिन नहीं बोल सकते, महीनों के बाद मैं वो चीज करने जा रहा हूँ जो मैं पहले किया करता था। और कुछ लोगों ने तो अभी ऑलरेडी गेस किया होगा कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। मतलब इतने महीने हो गए मैं मोटो व्लॉगिंग नहीं कर पा रहा था। इतने दिनों से मेरे पास गोप्रो नहीं था मेरा, तो फाइनली आज हमारे पास गोप्रो हीरो 11 आ चुका है। यहाँ पे ये है। और इतना ही नहीं होता, ये लेने के बाद और भी थोड़े खर्चे होते हैं, वो भी दिखाता हूँ। उसके बाद सबसे बड़ा खर्चा होता है ये माइक अडेप्टर। उसके बाद अगर आपको मोटो व्लॉगिंग करनी है तो उसके लिए ये उलान जी का केस वो, और एक्स्ट्रा बैटरीज लगती है वो अलग से। तो इतना सारा खर्चा एक गोप्रो के साथ में आ जाता है। और ऐसा सीन हो रहा है कि अभी मेरे पास गोप्रो है और मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं। अभी ये जो आप क्लिप देख रहे हो ये मैं मेरे दोस्त के फ़ोन से शूट कर रहा हूँ। मेरे वाइड एंगल कैमरा में एक क्रैक आया था, तो वो रिपेयर करने के लिए मैंने फ़ोन सबमिट किया है एप्पल में। आई होप 10 तारीख तक फ़ोन मिल जाना चाहिए। और वैसे आज डेट है 5th of December, तो और 5 दिन लगेंगे हमारा फ़ोन आने के लिए। आई होप राइड से पहले फ़ोन हाथ में आ जाए, क्योंकि 11 तारीख को हम राइड के लिए निकलने वाले। कहाँ निकलने वाले वो जानने के लिए बने रहिए ऐसे ही चैनल पे। और अभी मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ बाइक हमारी लेके एक शाफ्ट में। यश और पाटिल हम तीनों जा रहे हैं एक शाफ्ट, तो वहाँ पे जाके राइड से पहले थोड़ी बहुत बाइक का एक चेकअप होगा। उसमें पता चलेगा कि बाइक में और क्या क्या करना ज़रूरी है। वैसे तो मुझे पिछला ब्रेक डलवाना है, पीछे में डालने वाला हूँ वैसरा। तो अभी यहाँ से फटाफट निकलते हैं। मोटो ब्लॉगिंग सेटअप भी मुझे रेडी करना है। इस गोप्रो को मुझे लगाना है उलान जी केस में, और उलान जी केस को फिर माउंट करना है हमारे इस हेलमेट पे। तो ये काम करने में अभी मेरा 5-10 मिनट चले जाएगा। फिर यहाँ से पार्किंग में जाके मैं सिल्वा को निकालूंगा, तो टाइम हमारे पास बहुत कम है। यश कॉल पे कॉल कर रहे हैं, तो निकलना चाहिए अभी। बाय। आ गए जी पार्किंग में। ये रही हमारी सिल्वा अंधेरे में थोड़ी धूल मिट्टी खाते हुए। उसको अभी कोल्ड स्टार्ट करते हैं थोड़ा। देखते पहले अटेम्प्ट में चालू हो रही है नहीं, या पहली वाली बीमारी अब तक है। तो फाइनली फर्स्ट स्टार्ट में ही चालू हो चुकी है। अभी इसको थोड़ा गर्म होने दो, तब तक इसको थोड़ा साफ सुथरा कर दें, तब तक हीटअप भी हो जाएगी। कैमरा भी लगाना बाकी है, तो वो काम निपटा लेता हूँ मैं तब तक। और आपको सीधा अभी हाईवे पे मिलता हूँ। ओके गाइस, तो फाइनली मोटो व्लॉग स्टार्ट हो चुका है कुछ इस तरह ट्रैफिक में। तो अभी इस ट्रैफिक को झेलना है बोरीवली जाने तक। और अभी जो कैमरा एंगल है हमारा, वो मैंने एक कैमरा अपसाइड डाउन लगाया हुआ है। रिटर्न आते वक्त मैं कैमरा सीधा लगाने वाला हूँ, क्योंकि जब से गोप्रो हमारा नहीं था तब से आदत छूट गई है मोटो व्लॉगिंग की। और एंगल भी पता नहीं है कैसा आ रहा है, क्योंकि अभी जब मैंने पार्किंग में देखा सेट करके, तब मुझे कैमरा एंगल थोड़ा डिफरेंट लग रहा है पहले से। आई डोंट नो, आदत छूट गई इसलिए, या फिर एंगल ही चेंज हुआ है। तो लेट्स सी, अभी आते समय सीधा लगाएंगे तभी देखेंगे। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन सा कैमरा एंगल बेस्ट दिख रहा है, अपसाइड डाउन वाला जो आप अभी देख रहे हो, या फिर रिटर्न आते समय जो मैं लगाने वाला हूँ वो एंगल। तो बस अभी इस ट्रैफिक को फटाफट क्लियर करते बोरीवली पहुँचते। बोरीवली में यश और पाटिल मेरे लिए रुके। हर टाइम की तरह आज भी मैं लेट हूँ। अभी टाइम हो रहा है 5:06। ये जो टाइम है 6 मिनट आगे, मतलब अभी एग्जैक्ट 5 बज रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यश ने मुझे टाइमिंग दिया था 4:30 बजे का, और अभी तक मैं हूँ गोरेगांव में ही। तो फटाफट यहाँ से भागते हैं। ये ट्रैफिक को देख के तो लगता है मुझे 5:30 तो बच जाएंगे बोरीवली पहुँचते पहुँचते। और अभी तक मुझे ये भी नहीं पता है कि वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं, क्योंकि हीरो 11 पे मैं पहली बार अडेप्टर लगा के व्लॉग शूट कर रहा हूँ अभी। तो ये भी अभी बोरीवली पहुँचने के बाद पता चलेगा कि वॉइस रिकॉर्ड हुआ है या नहीं, तो फिर ये भी फुटेज वेस्टेज है। अभी अभी मुझे और एक प्रॉब्लम पता चला है कि हमारा ये जो हॉर्न है वो बीच बीच में चल रहा है, बीच बीच में नहीं चल रहा है। अभी तो चल रहा है, लेकिन अभी थोड़ी देर के पहले नहीं चल रहा था जब कैमरा ऑफ था। ये एक प्रॉब्लम हो गई। और दूसरी एक प्रॉब्लम है, वो है मुझे गियर शिफ्टिंग में प्रॉब्लम आ रही है। जब भी मैं डाउन शिफ्ट कर रहा हूँ 3rd गियर से 2nd गियर में, तो 1 सेकंड के लिए 2nd गियर पे रहती है बाइक, उसके बाद अपने आप न्यूट्रल पे चली जा रही है। और ये जो दिक्कत है वो कंटिन्यू नहीं हो रही है, बीच बीच में हो रही है कि 2nd गियर से डायरेक्ट न्यूट्रल पे चली जा रही है। तो ये भी अभी विघ्नेश को बताना है। मतलब आज पूरा दिन हम हमारी बाइक छोड़ने वाले एक शाफ्ट पे, पाटिल यश और मैं बाइक छोड़ के। अरे यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि आज रात को बाइक हम लोग एक शाफ्ट पे छोड़ने वाले हैं। तो फिर मैं आते समय कैमरा स्ट्रेट लगा के मोटो व्लॉग्स कैसे शूट करूँगा।
तो ठीक है, जब भी बाइक लेने जाऊंगा तो वो व्लॉग वहाँ से कंटिन्यू करूंगा, आप टेंशन मत लो, टेंशन लेने की बात मेरे लिए है। तो ठीक है, बस यही प्रॉब्लम थी बाइक्स में कुछ, वो एक शाफ्ट जाके अभी रिजॉल्व करनी है, तो उसी लिए हमें बाइक हमारी छोड़नी पड़ेगी एक शाफ्ट पे। मेरे बाइक का थोड़ा काम ज़्यादा है और बाकी पाटिल और यश के बाइक का तो जनरल चेकअप ही होना है। मेरे गाड़ी में ब्रेक्स लगने हैं, सस्पेंशन एडजस्ट होना है जो लास्ट टाइम नहीं हुआ था, फिर ये गियर का प्रॉब्लम हो गया, हॉर्न का प्रॉब्लम हो गया, तो मेरे ही प्रॉब्लम्स थोड़े ज़्यादा है, तो मेरी बाइक को एक से दो दिन भी रखना पड़ सकता है वहाँ पे, और ये लोग का तो एक दिन में हो जाएगा। तो अभी फटाफट एक सेकंड में पहुँचते हैं बोरीवली, मेरे लिए 15-20 मिनट होगा, आपके लिए एक सेकंड होगा। ओके गाइस, सो फाइनली वी आर इन बोरीवली राइट नाउ, और शायद ये ब्रिज के नीचे पाटिल और यश मेरे लिए रुके हैं, मुझे बताया तो ऐसे ही गया था कि यहाँ पे रुकने वाले थे, तो यही कहीं पे रुके रहेंगे हमारे दो अनमोल रतन। कहाँ गए, यहाँ कहीं तो दिख नहीं रहे, कॉल करके देखते कहाँ पे है हमारे छोकरे। ओके, तो ये राइट नहीं लेना था और ये लोगों ने मुझे बताया नहीं, मैं राइट मार बेटा, ये लोग आगे रुके है। कहाँ पे है, हाँ दिख गए हमारे बॉयज, दिख गए। व्हाट्स अप बॉयज, मोटो व्लॉग्स आर बैक। नए नए हेलमेट चमक रहे दोनों के भी। तीनों के पास एएसजी, बस एक के पास अभी गोप्रो की कमी है। बच्ची तू भी गोप्रो ले ले, तीन तीन एंगल आएंगे फिर गोप्रो के, गोप्रो के तीन तीन एंगल आएंगे, तू भी ले ले। तो फाइनली हम लोग का इंटरकॉम बहुत मुश्किलों के बाद, बहुत प्रयासों के बाद कनेक्ट हुआ है। दोनों का हो रहा था कनेक्ट, लेकिन तीसरा नहीं हो रहा था, तो यश ने कुछ उंगली किया बटन दबा के, तो हो गया कनेक्ट। कालाकांडी बॉयज है हमारे पास, तीनों की भी बाइक्स बज रही है मस्त, माझा चालू है, मला येतो आवाज तुझा। Let's shoot. ये देखो, ये प्रॉब्लम भी एक आ रही है, विघ्नेश को दिखाना पड़ेगा। तो अभी यश पूछ रहा था मुझे मिरर लेने का है कि नहीं, तो आज मिरर का भी काम हो जाएगा हमारा, आज ज्यादा से ज्यादा काम हमारे निपटाने की कोशिश करेंगे हम। बाइक आज नहीं मिल रहा है, फिर भी अभी फिर से डिस्कनेक्ट हो गया था इंटरकॉम। पाटिल का बैग वैसे सेक्सी लग रहा है। फाइनली आ गए LMT, यहाँ से वो ब्लाइंड स्पॉट मिरर लेंगे, LMT में जा रहे ब्लाइंड स्पॉट मिरर लेने, लेकिन शूट नहीं कर सकते, हमारे पास हमारा आईफोन नहीं है आज। ब्लाइंड स्पॉट मिरर लेके हो गए, बैग में डाल भाई। अरे तुम लोग को दिखाने के लिए, लेकिन धूपी चली गई। अरे अपन लाइट मारेंगे, लाइट से नहीं होता है, धूपी चाहिए, जादू है वो धूप। मेरा दिल तो बार बार इस बैग पे ही आ रहा है, ए भाग मत। फॉक फॉक फॉक, टायर स्लिप मारा, फटे। ओहो हो, बस हो गया, बस गाइस, आज के लिए इतना बस है। गाइस मैं जब भी बोरीवली में आता हूँ ना, ये दो लोंडे मुझे बहुत घुमाते, किधर जा रहे किधर लेके जा रहे कुछ समझता नहीं है मेरे को, सिर्फ मैं इनके पीछे पीछे चलते रहता हूँ, गोल 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 घुमाते रहते बस। आज ब्लॉग करने के लिए मुझे यश का फ़ोन भाड़े से लेना पड़ेगा शायद, अभी से रो रहा है देखो। ओ विघ्नेश भाई कैसन बा। चलो अभी गाइस, यश ने अगर फ़ोन दिया तो आगे ब्लॉग शूट हो पाएगा यहाँ पे, नहीं तो ब्लॉग नहीं होएगा, कैंसल। विघ्नेश को बाइक हैंड ओवर कर दिए और अभी यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, ये लोग आएंगे कल उनकी बाइक पिक करने और मैं परसों आऊँगा, क्योंकि मेरे बाइक में थोड़ा काम ज़्यादा है, तो इसलिए मुझे परसों आना पड़ेगा, ये लोग कल आएंगे। इसको वैगनर को शूट कर, वैगनर को, अरे रे रे, रहने दे रहने दे, बहुत गंदा था, जाने दो। तो तुम लोग तो कल आ रहे हो ना, परसों मिलोगे मेरे को, मैं आऊँगा तब। ओके देखते, अगर ये आए तो ये भी आ जाएंगे ब्लॉग्स में, अभी ये ब्लॉग जो है डायरेक्ट परसों कंटिन्यू होगा, तो अब तक के लिए बाय।